हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ये मीटर थ्री फेस का है और कम लोड में इसकी रीडिंग ज़्यादा आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मीटर को धीमा कैसे करेंगे। दोस्तों, ये जितने भी लोकल मीटर आते हैं, वो चाहे थ्री फेस के हों चाहे सिंगल फेस के हों, इन सभी मीटरों में सिटी कॉयल होती है। सिटी कॉयल फेस के कनेक्शन में लगी होती है। जो भी हमारा लोड चलता है वही सिटी कॉयल से होकर ही गुजरता है। जितना ज़्यादा लोड हम चलाएंगे उतना ही इसमें एम्पियर लोड का करंट बढ़कर निकलता है और उसी से ही हमारे मीटर की रीडिंग आती है। इसी एम्पियर करंट को हम कम करने के लिए सिटी कॉइल की ब्लैक तार में सिर्फ एक डायोड लगाकर सिटी कॉइल के करंट को कम कर सकते हैं, वो भी 10%। तो दोस्तों, एक डायोड से 10% कम होगा, दो डायोड लगाएंगे तो 20% कम हो जाएगा, और अगर तीन डायोड लगाएंगे तो मीटर 30% स्लो हो जाएगा। जितने भी डायोड हम लगाते हैं दोस्तों, वो सीरीज में ही बनाकर लगाना है हमें, और सिटी कॉइल के करंट को कम कर सकते हैं। जितना एम्पियर करंट कम होगा उतना ही हमारा मीटर धीमा चलेगा। इसी तरीके से ये जो थ्री फेस का मीटर है, जो कि इस वीडियो में मैं इस मीटर पर काम कर रहा हूँ, इसमें तीन फेस हैं और एक न्यूट्रल है। थ्री फेस का मीटर है ये दोस्तों। जो न्यूट्रल होता है मीटर के अंदर, उसमें सिटी कॉइल नहीं लगी होती है, लेकिन इसके जितने तीनों फेस हैं, तीनों फेसों में सिटी कॉइल लगी हुई है। तो इन तीनों सिटी कॉइल के ब्लैक तारों में हम डायोड लगाएंगे। जैसे कि मैंने इसमें तीनों फेस पे तीन 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 डायोड लगाए हैं, और जिससे कि ये मीटर 30% स्लो हो जाएगा। मैंने हर फेस पे तीन डायोड लगाए हैं, वो भी सीरीज में बनाकर, जैसा कि आप वीडियो में देख पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों इससे हमें 1000, जैसे कि महीने में 1000 यूनिट आते हैं, तो उसमें हमें 300 यूनिट का फ़ायदा होगा, 700 यूनिट ही आया करेंगे। अगर हम एक डायोड लगा देते तो 10% स्लो हो जाता, यानी कि 1000 में 900 यूनिट आते। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और आप भी अपने मीटर को धीमा चलाएं और लोकल मीटर को कंपनी जैसा बनाएं, क्योंकि दोस्तों ये सिचुएशन सिर्फ लोकल मीटरों में ही आती है। अगर आपने कंपनी का मीटर लिया हुआ है, जितने भी ISI मार्क कंपनी से आए हुए मीटर होते हैं, उनमें हमें ये डायोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने लोकल मीटर ख़रीदा हुआ है तो आप इसमें डायोड लगाकर मीटर को कंपनी जैसा ही बना सकते हैं और जितने भी ज़्यादा यूनिट आते हैं उससे बच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि दोस्तों मैंने इस मीटर को खोल रखा है, आप इसमें देख सकते हैं, ये एक रेड कलर की तार है, एक येलो कलर की तार है, एक ब्लू कलर की तार है। इन्हीं तीनों तारों के बीच बीच में ही सिटी कॉइल लगी हुई है, और इन्हीं से ये ब्लैक और रेड कलर की तार है इसमें आए हुए हैं, यानी कि 6 कनेक्शन हुए हैं इसमें, 3 रेड और 3 ब्लैक। ये सारे कनेक्शन सिटी कॉइल से ही आए हुए हैं, जिस पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें ये जो तीनों ब्लैक तार हैं ना, इसी में हम डायोड लगाएंगे। तो मैं डायोड लगाना शुरू करूँगा। ओके फ्रेंड्स,
ये दोस्तों मैं तीन तीन डायोड लेकर तीनों डायोड की सीरीज बना रहा हूँ। इन्हीं ये तीन तैयार होने के बाद इन्हीं को हम लगाएंगे इसमें ब्लैक तारों में। दोस्तों मैंने ये तीनों डायोड के सीरीज बनाकर इसको तैयार कर लिया है और हम इसमें सोल्डिंग कर देंगे। जितने भी जॉइंट लगा हुए हैं उनका हम सोल्डिंग करके और इसमें इसको अटैच कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैंने इसमें डायोड लगा दिए हैं। जैसे डायोड का प्लस वाला हिस्सा था वो मैंने मीटर में जोड़ दिया और जो इसमें से ब्लैक तार निकाली थी वो डायोड तीन डायोड के पीछे वाली तार में जोड़ दिया है। ओके फ्रेंड्स,
इसी तरीके से हमें डायोड लगाना है मीटर के अंदर, और इसमें हमारा काम पूरा हो चुका है और ये मीटर भी 30% स्लो हो चुका है।